अस्सलामुअलैकुम गाइस, सो फाइनली वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो जी आज सुबह मौसम देखो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, बादल छादल आए हुए हैं। तो जी यहाँ पे आया हूँ मैं अपनी गाड़ी सर्विस करवाने, कंप्लीट सर्विस, इसलिए तो डिग्गी भी खुली हुई है। ये गाड़ी होगी, फिर इसके बाद ये गाड़ी होगी, उससे पहले इन्होंने ये किया। जल्दी से करवा के यहाँ से फ्री होके चलते। यकीन करो गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो गया, लेकिन फाइनली गाड़ी सर्विस हो गई है। और वो कपड़ा मार रहे हैं जो साइड से तुम्हें बम पर ये नज़र आ रहा है ना, ये मुझसे हुआ कल, लिए भी आज ठीक कराते हैं अंदर बाहर से, उसने हमें 10x10 कर दिया। अब जल्दी से चलते हैं, वो जो बम्पर का दिखाया है ना वो लाजमी बनवाना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। जल्दी से सीधा वहीं करते हैं, आज का दिन हमारा काम में जाएगा। बताएं शॉप पे कब जाएंगे। तो जी अब हमने दे दिया उस काम के लिए, अब सुकून से हम ऑफिस में जाके बैठते हैं, बाहर बहुत गर्मी है। A few moments later. तो जी फाइनली हमारा काम हो गया, ये काम बड़ा जल्दी हो गया। ये तो यकीन करो सर्विस से भी जल्दी हो गया। ये चेक करो, प्रॉपर नहीं करवाया अभी, बस गुजारा करवाया, बाकी बाद में देखेंगे। फिलहाल बुरी तो नहीं लग रही ना। चलो यकीन करो आज तो हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, लेकिन अभी भी हमारा एक काम रहता है, हमने मैकेनिक के पास जाना है, थोड़ा सा काम वहाँ भी है। तो जी अब अनवर को उठा के चलूंगा, अकेला बहुत बोर हो जाता हूँ मैं। तो जी मैं घर आ गया था और अब फ्रेश हो गया हूँ, चेंज कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, अब जल्दी से चलते हैं। जो मैंने कहा था गाड़ी का एक और काम रहता है वो करवाने, और सीन ये है कि रास्ते से उठा लेते हैं अनवर को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था और शुगर मिला आपको पता अनवर के साथ ही लगता था। जल्दी से मैडम निशा निकालते हैं और चलते हैं। तो जी अनवर को लेने के लिए निकल चुके हैं, अनवर को कॉल कर दी है, रेडी शेडी हो गया, उसको उठाते हैं फिर जल्दी से पहुँचती हैं। फाइनली अनवर को आके हमने उठा लिया है, और अब मौसम भी कुछ अच्छा हो गया, धूप छूप खत्म हो गई है, लेकिन अनवर ने फिर भी ग्लासेस पहनी है। लेकिन ये धूप की वजह से नहीं पहनी, इसकी आंखें खराब हुई है। आवाम को अपनी नशीली आंखें तो दिखा, हो गया बात है वापस पहन ले। तो जी जल्दी से चलते हैं गाड़ी का काम करवाने, थोड़ा सा हल्का फुल्का काम रहता है वो करवा के जल्दी से निकलती हैं। मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। क्या चेक कर रहा तू, ऐनक पहन के तुझे वैसे ही नहीं अंदर नजर आना। तो जी फाइनली वसीम के पास आ गया, और आते साथ इसने बैड न्यूज़ दे दिया कि जो हमारा काम है ना, असल में काम ये था कि जो गाड़ी का स्टीयरिंग है ना वो हार्ड हो गया था। अब इसने कहा 3-4 घंटे का काम है, फिर बाद में आना। अब हम इतनी दूर आए हैं, अनवर को देखो फोटो डाडी शाडी करवा के कुत्ती का पाव में, लेकिन अब काम हमारा लंबा हो गया। चले फिर अनवर, मोहिम हो गया अपना तो क्या बनवाते हैं, हाँ नंबर प्लेट भी ऐसे ही है। नंबर प्लेट बड़ी पीछे वाली डिग्गी में है, वो पुरानी वाली। अब ये देखो अभी कोई नंबर प्लेट लगी नहीं है, ऐसी खाली लेके फिर क्या बात है। अनवर चल चले फिर निकाल, ये ले गाड़ी निकाल। वसीम वाली साइड से तो हम निकल आए हैं, अब हम जा रहे हैं गाड़ी की नंबर प्लेट्स बनवाने, क्योंकि आगे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई। जो जेन्युइन नंबर प्लेट है वो अच्छी नहीं लगती थी, उतरवा के हमारी पीछे बैग डिग्गी में पड़ी है। तो जी जाके नंबर प्लेट बनवाते हैं, वो भी अनवर की पसंद की, जैसे ही कहेगा वैसी नंबर प्लेट बनवाएंगे। तो अब जा रहे हैं हम MDA पे, तकरीबन 10-1 मिनट का फासला भी पहुँचेंगे। तो जी अब यहाँ आ गए हैं नंबर प्लेट बनवाने, और नंबर प्लेट हमने बनवानी है ब्लैक कलर की, क्योंकि अभी ये देख लो ये वाइट है, कैसी लग रही है, कितनी अजीब लग रही है ये वाइट वाली। अनवर वो ब्लैक वाली ले गया, ये ज़रा वो उधर बड़ी होगी, इस तरफ रखी है भाई ने। तो जी फ्रंट वाली हमारी वैसी नहीं लगी होगी, ये तुम लोगों को ये जो निशान नज़र आ रहा है ना, ये छोटे भाई के काम है, बाइक खड़ी करते वक्त उसने जी बाइक ही पूरी इसके ऊपर गिरा दी। फिर ऊपर से है छोटा भाई, उसको क्या कर सकते हैं। अनवर ये रख के दिखा, अब ये कितनी सेक्सी लगती है। अब ये ज़रा चेक करो कि वाइट कैसी लगती है और ब्लैक, अब हटाइए ज़रा, ये देखो वाइट कितनी बेकार लग रही है, अब दोबारा ब्लैक रख, क्या बात है, फुल हैवी सीन हो गया। छोटा सा ना दिल के ब्लॉग और यूट्यूब वाला, ये ऊपर भी लिखा हुआ है फिर नीचे भी लिखा होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं ट्राई कर लेंगे, कौन से हमारे वो मतलब अगर ना पसंद है उतार देंगे स्टिकर। ये क्या बात है, नहीं इधर नीचे लिखवा लेते हैं अनवर के ब्लॉग्स, ऊपर अदील के ब्लॉग, नीचे अनवर के ब्लॉग, जो यूट्यूब में मिलेंगे ही नहीं। तेरा इंस्टा का अकाउंट लिख देते हैं, इंस्टा का अकाउंट लिखवा लें, हाँ ये आइडिया सही है, और नहीं सही लगेगा कोई बच्ची इंस्टा पे क्या पता फॉलो कर ले। तो जी नंबर प्लेट अभी बन जाएगी हमारी तकरीबन 10-1 मिनट में, तब तक यार अनवर यहाँ से कहीं छोटे छोटे चावल खाते हैं देखते हैं, नहीं तो ये गोलगप्पे वाला आ रहा है इससे गोलगप्पे खाते हैं। स्वीट आ गई है, स्वीट से नहीं खाना, सामने से आ रहा है गोलगप्पे वाला, वो देख अब बताए इसके पास गोलगप्पे होंगे या ख़त्म हो गए होंगे। वैसे तो सुबह सुबह का टाइम है, आवाज़ दे के पूछ पूछ गोलगप्पे हैं चाचा, गोलगप्पे हैं, मैंने पहले कहा सुबह सुबह ही मुका दिए ये तो आपने, क्या बात है।
यार अब क्या करें, फिर आगे से जाके खाएं? टांगों में हिम्मत नहीं है मेरे। चलो फिर बनवा के एक दफ़ा चलते हैं, गोड्डों का पानी ख़त्म हो गया, ऐसे गलत काम ही ना करके जल्दी ख़त्म हो जाए। तो जी अभी तक ये हमारी पुरानी खसी नंबर प्लेट, लेकिन इसको खसी नहीं कह सकते क्योंकि ये जानवर है। जानवर को जनून चल गया रोड के दरमियान में खड़ी होकर गाड़ी साफ करने का। क्या बात है, सर्विस कराई है लेकिन आज ही सर्विस रही है, सुबह रिकॉर्ड किया है, सबूत है बड़ा, कहीं तो फिर मुकर जाए। असल में मुल्तान में मिट्टी इतनी है। अब ये देखिए तेरी वजह से तूने ये सारी ये लाइटों पे गिरा दी और बम्पर भी गिरा दिया, पूरा बम्पर भी साफ कर, लाइटें भी साफ कर, ये देख रहा है ओह सारी मिट्टी ये तूने गिराई अभी। ये नंबर प्लेट वाला इससे भी साफ कर देना अभी, इधर नहीं जो लग रही है बस छोड़ दे, अभी नए लग जाएगी ऊपर पता नहीं। तो जी यार मोस्ट हमारी नंबर प्लेट गाड़ी हो गई है, क्या बात है, रेक अभी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो जी ये चेक करो आप कितनी सेक्सी लग रही है फ्रंट नंबर प्लेट। सर जी ये देखो बैक नंबर प्लेट भी लग रही है, आप सेक्सी लग रही है, पहली वाली से बेहतर लग रही है ना। अब दोनों नंबर प्लेट्स उठा चलें। तो जी अब जल्दी से चलते हैं डायरेक्ट शॉप पे क्योंकि टाइम नहीं है, सामा भाई हमारा वेट कर रहे हैं, पेमेंट करते हैं, जल्दी चलते हैं। तो जी यहाँ से बनवाई है हमने नंबर प्लेट, पहली नंबर प्लेट भी हो गई है, आप जल्दी से जा रहे हैं, अभी कैमरा बंद करता हूँ, सामने वार्डन खड़े। 2000 years later. तब के बाद मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात की बज रही है 12, मैं घर भी आ गया हूँ, फ्रेश होके मैंने चेंज भी कर लिया है, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बाइड बियर्ड बनवाने। ये देख लो बियर्ड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैंने सोचा बियर्ड भी बनवा लेते हैं, गाड़ी शाड़ी हमने बाहर निकाल ली है, अब जल्दी से चलते हैं। और यकीन करो ये 12 बजे जा रहा हूँ बियर्ड बनवाने, अब अल्लाह करे वो मूसा बैठा हो, टाइम ही यही मिलता है, क्या करूँ, 11 बजे शॉप से फ्री होता हूँ, फ्री हुआ जैसे फिर मैंने कहा चलो जी अब चलते हैं। गाड़ी शाड़ी हमारी बेचारी, हमने इसको यहाँ से सेट करवाया था, फिर हल्की सी लगी, क्या करें ये चीज़ें तो होती रहती हैं, जल्दी से चलते हैं। Let's go. तो जी फिलहाल यहाँ से फ्यूल भरवाने हैं, फ्यूल भरवा के चलते हैं। मूसा के पास आ गए हैं, अल्लाह करे बैठा हो, वैसे मनहूस बैठे रहता है देर तक, गाड़ी हमने पार कर दी है यहाँ पे, सुकून से खड़ी रहेगी, अब हम जल्दी से चलते हैं, खड़ा तो है, ये देखो नजर आ तो रहा है। फाइनली मैंने बियर्ड बनवा ली है, वहाँ पे कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए क्योंकि आपको पता है मेरा दिमाग है पूरा सूरा, मैं भूल गया था। तो अब मैं आया हूँ साजिद के पास, तो वैसे तो रात की बज रही है 2, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं चक्कर लगा जाते हैं, आपको पता है इसका दीदार करके जाना होता है। क्या हाल है ब्रो आपकी, क्या कर रहे इतनी रात को आप बाहर, आपको घर वालों ने नहीं सिखाया कि इतनी रात को घर होना चाहिए? घर वाला ने सिखाया रात से मेहनत करो, रात को मेहनत करनी है, लेकिन वो दूसरी मेहनत के बारे में आपको समझा रहे थे, आप ये मेहनत समझियो, वो जो शादी के बाद होती है ना रात को मेहनत, वो उस मेहनत के बारे में बता रहे थे। वो नहीं अभी करनी है, शादी करनी है तो बर्बादी है। ये तो है, मैंने भी अभी शादी नहीं करनी, मैं ना बहुत टाइम बाद शादी करूंगा, अभी मैंने अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, जो जो शादी कर चुका है लाइक अकील भाई, उसामा भाई, अगर उनसे पूछेंगे शादी करनी चाहिए तो वो कहते हैं कि शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, उससे पहले मजे होते थे अब नहीं होते मजे। अपने अब्बू को कहा 2030 में करनी है, पहले महीने की 35 तारीख, पहले महीने की 35 तारीख को, इसका मतलब है ब्रो आपने कुमारा ही मरना है। तो जी यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर चलते हैं सीधा घर, गाड़ी मैंने अपनी वहाँ पार्क कर दी है, थोड़ी देर फ्रेश ताज़ा हवा खाते हैं फिर जल्दी से चलते हैं। ये बताओ ये जो आपने मुझे बना के दिया, इससे ताकत आएगी नहीं आएगी, होशियारी आएगी? अरे वो वाली ताकत नहीं, वो वाली ताकत जैसे कमजोरी हो जाती है बंदे को, पक्की बात है, किससे लड़ूंगा जाके, हैंगर टैंगर से, अंडरटेकर से, ये ना अभी मैं पी रहा हूँ, कल अपनी ताकत आजमाऊंगा कि ताकत आई या नहीं आई, ठीक है उस ताकत से।